आज के इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ ड्रीम इलेवन ऐप के बारे में, और इस वीडियो में बताऊंगा कि अपने अकाउंट को यानी अपने ड्रीम इलेवन अकाउंट को किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे। और इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपना अकाउंट को एक ही बार में कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि मेरा जो कि है 1 वीक हो चुका है, मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि गाइज इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, जिससे कि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि अपने बैंक अकाउंट को, अपने पैन कार्ड को, अपने आधार कार्ड को, अपने ईमेल आईडी को बिल्कुल इजी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। बस इस वीडियो को देखने के बाद मेरे साथ भी बहुत दिक्कत आया था, लेकिन मैंने अपना फाइनली वेरीफाई कर लिया और मैं अपने पैसे को भी विड्रॉ कर चुका हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज करना क्या है कि आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है और यहाँ पे देखने को मिलेगा माई बैलेंस। सिंपल यहाँ पे माई बैलेंस पे जाना है और यहाँ पे गाइज एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है माई केवाईसी डिटेल का। तो सिंपल गाइज यहाँ पे आपको माई केवाईसी डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई है, मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई है, मेरा पैन कार्ड वेरीफाई है, मेरा बैंक अकाउंट भी वेरीफाई है, यानी मेरा पूरा अकाउंट जो है वेरीफाई है। मैं इससे पैसे भी विड्रॉ कर चुका हूँ और मैं इससे पैसे भी विड्रॉ कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपको चलिए पैसे भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विड्रॉवल इंस्टेंटली, सिंपली इस पर जाते हैं और इस पर जाने के बाद देखिए मेरा यहाँ पर अकाउंट नंबर यानी आपको मेरा पैसे डालने का ऑप्शन आ रहा है, यानी मेरा पैसे विड्रॉ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बात करते हैं कि आप लोग अपना अकाउंट को कैसे वेरीफाई कर लेंगे। कुछ लोगों का सवाल है कि मेरा बैंक अकाउंट में दिक्कत आ रहा है, मेरा पैन कार्ड में दिक्कत आ रहा है, मेरा ईमेल आईडी में दिक्कत आ रहा है। तो मैं आप लोग से बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना करना क्या है कि आपको ऐसे लोग का पैन कार्ड डालना है, आपको आधार कार्ड डालना है जिसका 18 साल कम्प्लीट हो चुका है। उसके बाद आपका पैन कार्ड में नाम, आपका आधार कार्ड में नाम, आपका बैंक अकाउंट में नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आपका पैन कार्ड डाल दिया अपना भाई का, आधार कार्ड डाल दिया अपना पापा का, बैंक अकाउंट डाल रहे हैं खुद अपना, तो फिर आपका कभी भी वेरीफाई नहीं होगा, आप लोग परेशान हो चुके होंगे। तो सिंपल आपको एक ही काम करना है कि आपको तीनों डॉक्यूमेंट जो है आपका एक ही नाम का होना चाहिए और उसका 18 साल से ऊपर होना चाहिए, वेरीफाई हो जाएगा। बैंक अकाउंट में थोड़ा सा दिक्कत आता है तो आपको करना है क्या है कि सिंपली 3 डॉट पे जाना है और नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट का। सिंपल गाइस यहाँ पे आपको हेल्प एंड सपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे तो नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है चैट विथ अस। सिंपल इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको कंपनी के कस्टमर केयर से बात करना है, उनको बोलना है माई बैंक अकाउंट नोट वेरीफाई पर मल्टीपल बार अप्लाई। तो आपको इस तरह से करना है जिससे कि आपको कंपनी वाले खुद आपसे बात करेंगे और कंपनी वाले जो भी दिक्कत होगा, जो भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा, वो कंपनी वाले खुद आपको बताएंगे कि आपके साथ इस दिक्कत है, इस चीज़ को आप लोग सही कीजिए जिससे कि आपका अकाउंट 100% वेरीफाई हो जाएगा। तो गाइज अगर आप लोग को वीडियो यूजफुल, वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।